हेलो। सर मैं जाता हूँ। ओके बेटा, सो थैंक चलिए यू। क्यूरीज लॉ देखते हैं आज हम लोग। ये क्यूरीज होगा ना उसका फाइनल फॉर्मूला, तो देखो, ये आर्यन, ये जो तुम कह रहे हो, ये है हाँ लास्ट वाला वो है, ये, तो फिर अच्छा BN, ठीक है। सॉल्व करके उसके बाद कॉस थीटा एलिमिनेट हुआ है, वो बाद में आएगा। चलिए क्यूरीज लॉ की बात करते हैं दोस्तों। क्यूरीज लॉ क्या कहता है? क्यूरीज लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, कि क्यूरीज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ऑफ अ मटेरियल वेरीज इन्वर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट सिंपल मीनिंग है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज इन्वर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो भैया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? देखो आप लोग को मैंने पढ़ाया काई एम, पढ़ाई ना, तो रूल क्या बनेगा? काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। नोट करो, काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो काई एम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हुआ करता है। अब आप लोग जानते हो कि काई एम क्या होता है। काई मैंने बताया था आई बाई एच, काई बताया था मैंने आई बाई एच। इंटेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेम्परेचर। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए आई बाई एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो h को अगर यहाँ फेंक दोगे तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा? i प्रोपोर्शनल टू h बाई टी। आई प्रोपोर्शनल टू h बाई टी। समझ में आया ना? i प्रोपोर्शनल टू h बाई टी। अब देखिए अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो i की वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, जो है i की वैल्यू जो है थोड़े समय के बाद कम होना शुरू हो जाएगी, सेचुरेशन आ जाएगा। अब इसको समझिए, मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। तो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h बाई टी, ये रूल आ रहा है। आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे आ गया, क्योंकि काई एम की वैल्यू होती है आई अपॉन एच, और आई एच ऊपर चला गया, आई प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। तो एक एक्सेस में आई ले लिया और एक एक्सेस में क्या ले लिया? एच बाई टी ले लिया। एक एक्सेस में आई ले लिया, एक एक्सेस में एच बाई टी ले लिया। तो शुरू बराबर होता है आई आई प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। नहीं नहीं वो बोला ना आपने, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आई बाई एच, आई बाई एच काई मैग्नेटिक, हाँ काई बराबर आई बाई एच, ठीक ना। काई इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए आई बाई एच, जब भाई काई इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी है तो आई बाई एच प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी, तो आई इज इक्वल टू एच बाई टी। ये क्या समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होगा? लीनियर रीजन फॉलो होगा। तो थोड़े दूर तक तो आई और एच बाई टी बिल्कुल हम साथ साथ हैं, चलते हैं, मगर धीरे से फिर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ पर इसमें सेचुरेशन आने लगता है, मतलब आई का बढ़ना बंद हो जाता है, आई का बढ़ना बंद हो जाता है, आई का बढ़ना बंद हो जाता है। समझ गए ना? नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, ठीक ना। आई जीरो होगा कब? जब एच जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई का बढ़ना हो जाता है बंद, तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीज़न। इसको बोलते हैं सेचुरेशन, मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो है वो फ्लैट हो जाएगी। समझ गए ना? ये मैग्नेटाइजिंग जो इंटेंसिटी वो बढ़ना रुक जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो मगर वो रुकी हुई है। एक्चुअल कर्व जाना कैसा था? लीनियर रीजन, ऐसे तरीके से ऐसे जाना था, ये लीनियर था बट ये ऐसा गया। तो सभी लोग कर्व बना लें और कॉपी में लिख लें रूल। चलिए कॉपी में लिखिए क्यूरीज लॉ। क्या कहता है क्यूरीज लॉ? क्यूरीज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब काई एम, मतलब पहले ये लाइन लिखो बच्चों आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ पहले वो लाइन लिखो। क्या रखा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लिखो कॉपी में, लिखे काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हर्षिता कल आप क्लास में नहीं आए थे बेटा, देखो ऐसे आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे ना हर्षिता। हाँ सर वो बाहर जाना पड़ा। हाँ तो आप इन्फॉर्म बस एक बार कर दिया करो बेटा, कुछ भी है तो वो लेक्चर मैं उस टाइप का नहीं पढ़ाऊँगा, उतना हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर नहीं करूँगा,
प्लीज बता दिया करिए. यस सो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच. सो काई एम इज आई इज. ये चलो मैंने क्या रूल बताया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये लिखा दिया. अब काई एम की वैल्यू डाल दो. काई एम की वैल्यू क्या होती है, आई अपॉन एच. लिखो. सो आई अपॉन एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. नोट करिए. ठीक है, आई अपॉन एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. देयर फोर आई इज प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी. आई इज प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी. आई इज प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी. अब ग्राफ बना लो. कहाँ बना हुआ, एक आई का एक्सेस ले लो, एक एच बाई टी का एक्सेस ले लो. समझ गया ना. मन क्या कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि ऐसा जाएगा जैसा आज तक जाता रहा है. टेंथ क्लास में वी प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ, ऐसा जाएगा. बट टेम्परेचर के इफेक्ट से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थोड़ी देर के बाद सेचुरेट हो जाएगी. चलो लिख लो. तो आई लिख लो यहाँ और यहाँ एच बाई टी लिख लीजिए. चलो करो सॉल्व जल्दी से. नोट करो. नहीं है समझ में. चलो बना लिया ग्राफ. क्यों नहीं बना रहे हो, बैठे हो और क्या. बना लो भाई ग्राफ बना लो. डन. आई प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी मतलब ये सैचुरेट हो गया इस तरीके से. ठीक है ना. मतलब आप देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बट इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है. टेम्परेचर आप खींचे जा रहे हो इस एक्सेस में बट इंटेंसिटी वहीं पर रुकी हुई है. समझ गए ना. इंटेंसिटी वहीं पर रुकी हुई है मतलब जितने मैग्नेटिक पोल बनने थे, डाईपोल बनने थे, बन गए. अब आपके नहीं बनेंगे डाईपोल. मतलब हालत कुछ ऐसी हो गई कि सरकारी पाइपलाइन से पानी आ रहा है और आप मोटर के साथ मोटर लगाए जा रहे हो. अब भैया पानी जितना आएगा उतना ही निकलेगा, चाहे तुम 50 मोटर लगा लो, और पानी थोड़ा ना खींच देगा. समझ गए ना. 50 मोटर लगा देने से ये थोड़ी ना कि बांध फोड़ के आपके घर में घुस जाएगा, है ना. तो इसलिए ये रूल हो गया. चलिए अब इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं. देखो मैंने अभी फर्स्ट लाइन क्या बताई आपको, मैंने पहली लाइन बताई कि काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. तो पहली लाइन पर फिर से फोकस कीजिए. काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्रोपोर्शनल गायब करो, कांस्टेंट आएगा. बेटा लिखो काई एम इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाओ कांस्टेंट लगाओ, अपॉन टी. ये कांस्टेंट कहलाता है क्यूरी कांस्टेंट. नोट करो भाई क्यूरी कांस्टेंट. नोट करिए क्यूरी कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट. लिख लीजिए काई एम इज इनवर्सली, सिंस काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, देयर फोर काई एम इज इक्वल टू सी बाई टी. दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड क्यूरी कॉन्स्टेंट. अब एच नहीं बदल रहे हैं क्योंकि काई एम को हमने आई बाई एच में नहीं बदला है, हमने डायरेक्टली काई एम पे रिलेशनशिप देखी है. ठीक ना. अगर आई बाई एच करना है तो बदल दो, फिर आई बाई एच भी आ जाएगा. समझ में आ गया बच्चों. यस सर. ओके. क्यूरी टेम्परेचर ऑफ, लिख लीजिए नोट, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 1000 केल्विन एंड फॉर कोबाल्ट इज 1400 केल्विन एंड फॉर निकल इट इज 600 केल्विन. एंड फॉर निकल इट इज 600 केल्विन. चलिए डन. तो अब ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश. ठीक है ना. चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. बीएच कर मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कर्व था बट वो अपने सिलेबस से हट गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है और कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. अब करना क्या है,